आदर निका नाम है। पता है कुछ? उसके बाद 1858 में पंजाब में मिला दिया था। नहीं ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कि हरियाणा बनने के लिए सबसे पहले किस किस ने प्रयास किए थे और कैसे कैसे प्रयास किए थे, आवाज कहाँ कहाँ उठाई गई थी। सबसे पहले अधिकारी मांग उठाई थी दो बंदों ने, कौन कौन से थे और आसफ अली, कब उठाई थी? 1907 में। ठीक है, इन दोनों ने मांग उठाई थी हरियाणा बनाया जाए। ये मांग उठाई गई थी अंग्रेजों के सामने, परंतु उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि उसमें इंडिया नहीं आजाद हुआ था, हरियाणा बनाना बहुत दूर की बात थी, हम पंजाब का हिस्सा रहे थे। और नारदास पता ही बात करें तो उसकी कर्म भूमि क्या थी? हिसार। और उसको पंजाब कैसे भी कहा जाता है और शेरे पंजाब भी कहा जाता है। और आसफ अली का संबंध कहां से था? कानून की पत्नी का नाम क्या था? आसफ अली कानका से था, अरुणा आसफ अली उसकी पत्नी नाम, जिसके नाम पे कानका कोनेस का नाम भी है। उसको बात रत्न भी मिला था ना, कब मिला था? 1907 में, 1997 में अरुणा आसफ अली को। उसके बाद स्वराज आंदोलन चला था 1916 के आसपास, इसका नेतृत्व हरियाणा से किया था पंडित नेकीराम शर्मा ने, उसने भी जिसको हरियाणा केसी कहा जाता, उसने भी यहाँ पे अनग हरियाणा की मांग उठाई थी 1916 में, परंतु नहीं बन पाया अनग हरियाणा। पंडित नेकीराम शर्मा स्वराज आंदोलन नहीं चाहता, होम रूल के अंदर उसके बाद 1925 में मांग उठाई गई थी, 1925 में मांग उठाई थी पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने, पीरजादा मोहम्मद हुसैन 25 पीरजादा मोहम्मद हुसैन, इसने पता क्या मांग उठाई? इसने कहा था कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा है ना, इसको अलग ना बनाओ, इसको दिल्ली में मिला दो, मतलब पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिला दो, पर अलग हरियाणा ना बनाओ, इतना कहा था इसने। ठीक है, 1925 में इसने मांग उठाई थी दिल्ली भाषा क्षेत्र हरियाणा में मनाया जाना चाहिए। उसके बाद 1928 में मांग उठाई गई हरियाणा की, 1928 में मांग उठाई थी दिल्ली प्रदेश कमेटी ने, 1928 में मांग उठाई थी दिल्ली प्रदेश कमेटी ने, उसने भी इसी मांग को दोहराया था कि हरियाणा वाला क्षेत्र जो हिंदी भाषा वाला क्षेत्र उसको दिल्ली में मिलाया जाए, सेम मांग को दोहराया गया था। उसके बाद जो पेपर में आते हैं नाम लेके पूछाता है 9 सितंबर 1932, ये नाम लेके पूछाता है इसका, तो इसकी डेट पूछता है या नाम लेके पूछ रहा है कि दीन बंधु गुप्त ने अलग हरियाणा की मांग कब उठाई थी? दीन बंधु गुप्त ने इसे 9 सितंबर 1932 को अलग हरियाणा की मांग उठाई थी दीन बंधु गुप्त ने, 1932 ऐसा नाम लेके पूछा था, इसकी डेट भी पूछी जाती है। उसके बाद 1946 में अखिल भाषाई सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, अखिल भाषाई सम्मेलन हुआ था जिसमें एक व्यक्ति था पटामी सीतारमैया, भाषाई सम्मेलन कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें एक व्यक्ति था पटामी सीतारमैया। इसने जो दीनबंधु गुप्त ने 1932 में मांग उठाई थी ना कि अलग हरियाणा बनना चाहिए, इस मांग को दोबारा दोहराया था कि ऐसा होना चाहिए, मतलब इन व्यक्तियों ने इस टाइम पे मांग उठाई थी इन वर्षों में। उसके बाद आपको बताया कि 1947 में भारत आजाद हो गया था या नहीं हो गया था, और जब हम अलग हुए मतलब कि इंडिया पाकिस्तान अलग हुए थे तो हम किसका हिस्सा थे? पंजाब का हिस्सा थे, तो जो पंजाब के पहले मुख्यमंत्री थे वही हमारे पहले मुख्यमंत्री माने जाएंगे, तो पंजाब के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अच्छा हाँ, तो पंजाब के पहले मुख्यमंत्री सिरसा के थे, गोपीनाथ भार्गव। हाँ, गोपीनाथ भार्गव हरियाणा के सॉरी पंजाब के पहले मुख्यमंत्री थे, गोपीनाथ भार्गव, अब वो आपके सिरसा के रहने वाले थे इसलिए इंपॉर्टेंट हो गए, गोपीनाथ भार्गव सिरसा के रहने वाले थे।
ये पंजाब के पहले मुख्यमंत्री थे। और सिरसा की बात करें तो वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा एरिया डिस्ट्रिक्ट है सिरसा, एरिया वाइज भी और वैसे भी। इसको संतोष नगरी आ जाता है, सरस्वती नगरी आ जाता है। गेहूं सबसे अधिक होती है और कपास होती है सबसे अधिक। और बना कब था? 1975 के आसपास बना था। 26 अगस्त 1975 घोषणा हुई थी, 1 सितंबर 1975 को बना था। एरिया 4277 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन था आधिकारिक रूप से अलग हरियाणा की मांग किसने उठाई थी। अब तो इंडिया बन चुका था ना, अब हरियाणा की मांग की गई अपने देश की सरकार से, तो आधिकारिक रूप से अलग हरियाणा की मांग किसने की थी और कब उठाई गई थी? आधिकारिक रूप से अलग हरियाणा की मांग उठाई थी 1948 में। किसने उठाई थी? अकाली दल के नेता होते थे तारा सिंह, उसने उठाई थी आधिकारिक रूप से अलग हरियाणा की मांग। पंजाब के नए नेता थे तारा सिंह, इन्होंने उठाई थी। हाँ, अलग हरियाणा की मांग। तो कोई पेपर में क्वेश्चन था आधिकारिक रूप से अलग हरियाणा की मांग किसने की थी, तो ऑप्शन में तारा सिंह जी मिले, तो वो मार्क करें 1948 की बात है। उसके बाद पंजाब के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने थे? भीम सेन सच्चर। अब वो इसलिए फेमस है, फॉर्मूला लेके आए थे। कौन सा फॉर्मूला? सच्चर फॉर्मूला। इसकी डेट पूछी जाती है 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था सच्चर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में क्या था? मान लीजिए पंजाब है पूरा, इसको दो भाषा में बांट देता, हिंदी भाषा वा अलग और पंजाबी वा अलग। 1 अक्टूबर 1949 भीम सेन सच्चर पंजाब के दूसरे मुख्यमंत्री, इसने भाषा के आधार पर पंजाब को दो भागों में बांट दिया था, हिंदी भाषा। और ये फॉर्मूला कुछ टाइम तक चला, उसके बाद फेल हो गया था। उसके बाद 29 दिसंबर 1953, ये खड़ड़ वगैरह सब उसमें आता था, उसमें आपका हरियाणा में काउंट होता था खड़ड़ तक। इसमें क्वेश्चन अभी तक जितनी बार भी ये आया कि सच्चा फॉर्मूला कब लागू हुआ, डेट पूछी गई हमेशा। 1 अक्टूबर 1949। उसके बाद 29 दिसंबर 1953, 29 दिसंबर 1943 को क्या हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था। 43 बना गया ना उसे, 53 नहीं करना, वो बनाया था राज्य पुनर्गठन आयोग। स्टेट को डिवाइड करना मैम, राज्य हाँ जैसे सानी फजल नदी सेंटर गई तो फजल नदी बना था ना, इसके अध्यक्ष थे फजल नदी, इसको फजल नदी आयोग भी बोलते थे। इसमें दो सदस्य होते, कौन कौन थे फजल नदी आयोग में? 3 सदस्य थे ना, एक तो फजल नदी खुद हो गए, एक थे के एम पनिक्कर, एच एन कुंजरू। के एम पनिक्कर, एच एन कुंजरू और जो फजल नदी थे ना, वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, एच एन कुंजरू। जो भाषा के आधार पर बनने वाली पहली स्टेट कौन सी थी? हैं? अच्छा कौन सी? अच्छा बहुत पेपर में स्टैटिक क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो क्वेश्चन तो भाषा के आधार पर बनने वाली इंडिया की पहली स्टेट कौन सी थी? उसके बाद ही तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ही बनी थी। ये पूछते मतलब रियासत होती थी ना, इंडिया की पहली स्टेट बनी थी भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश। हाँ हाँ पूछ। आंध्र प्रदेश के जो लोग थे वो चाहते थे हमें अलग स्वतंत्र राज्य बनाया जाए, उसके लिए उन्होंने वहां पे भी वो भी किए थे, आंदोलन भी किए थे बहुत सारे। उसमें एक व्यक्ति था वो शहीद भी हो गया था, मारा गया था, बहुत फेमस था। उसके बाद सरकार ने उनकी बात को माने ही आंध्र प्रदेश को अलग स्टेट बनाया जाएगा। उसके बाद सरकार ने सोचा कि इतने बड़े इंडिया पे शासन करना आसान नहीं था, तो इसको स्टेट में डिवाइड कर दे। तो इसके लिए आयोग बनाया गया था जिसका नाम था फजल नदी आयोग। इस आयोग में 3 सदस्य थे, फजल नदी, एच एन कुंजू, के एम पानिकर। और जो फजल नदी थे वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उनको कहा गया पूरे इंडिया का सर्वे करके आइए और हमें बताइए कौन कौन सी स्टेट बन सकती है या किसको यूटी बनाना है वो सब। पहले स्टेट नहीं थे ना, पहले रियासतें होती थी ना, पहले प्रांतें होती थी, प्रांतें होती रियासतें होती थी,
ऐसे था। राहुल के बाद स्टेट बने। हाँ स्टेट तो बाद में बने, पहले प्रांत, उनका नाम स्टेट नहीं था, प्रांत थे, दिल्ली प्रांत कह देते जो दिल्ली संतन का तेरी आज थे जनती दिवस। ठीक है, तो इनको कहा गया कि आप इंडिया सर्वे करके, तो इन्होंने 1956 कई बुक्स में मिलता है, 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट संपी थी संसद में पेश की थी। उस समय राष्ट्रपति थे हमारे, पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके समय में इन्होंने रिपोर्ट सौंपती थी। तो वहां पे इन्होंने एक क्षेत्रीय फॉर्मूला लेके आए थे, वो क्षेत्रीय फॉर्मूला, इसके आधार पे ही राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, मतलब इंडिया को स्टेट में बांट दिया था, जिसमें भारत को 14 राज्य और 6 यूटी में डिवाइड किया गया था। शुरू में जब इंडिया को डिवाइड किया गया तो 14 राज्य थे और 6 यूटी थे, परंतु उसमें हरियाणा का नाम नहीं था। हाँ 14 स्टेट और 6 यूटी, हिमाचल प्रदेश भी यूटी था उस समय, स्टेट तो बाद में बना, और आपका हरियाणा भी तो है ही नहीं था उसमें। बाकी जब इसे संविधान में शुरू में 395 आर्टिकल थे, अब तो 450 तो देना, मून तो 395 थे, ओरिजिन तो 395 थे, सेम 14 स्टेट और रीजन थी, अब तो बनी नहीं, अब तो कितने स्टेट हो गए इंडिया में, 28 से 29, जम्मू कश्मीर कहाँ स्टेट आएगी। हाँ यूटी कितने, 8 या 9, 8 पता है ना, हाँ दो मर्ज कर दी। ठीक है, उसके बाद 1956 में पंजाब में क्या हुआ कि अभी तो जितनी भी मैंने उठाया ना 1907 से लेकर 1925 जो भी डेट निकाली है, वहां पे जो मांग उठाई गई थी वो मांग ना ज्यादातर नेता उठाते थे कि अलग हरियाणा बनाओ, अलग वो करो, अलग ये करो, जनता इतना सहयोग नहीं देती थी। तो 1956 में क्या हुआ, पंजाब में सरकार आई प्रताप सिंह कैरो की, प्रताप सिंह कैरो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पंजाबी भाषा अनिवार्य कर दिया। प्रताप सिंह कैरो की सरकार आई थी, नंबर नहीं पता, इन्होंने क्या किया पंजाब में, मतलब अपने एरिया में पंजाबी भाषा कंपलसरी कर दिया, कोई भी काम हो पंजाबी आने चाहिए थे, सारे सारे कार्य काम साथ पंजाबी में होने लगी। अब क्या हुआ, अब नेता के साथ साथ जनता में भी विद्रोह की भावना जागरूक थी, क्योंकि जो हरियाणा के लोग थे पंजाबी आती नहीं थी, तो जनता में भी आक्रोश बढ़ने लगा, अब जनता भी डिमांड करने की हमें अलग से बनाया जाए, समझे। तो उसके बाद क्वेश्चन भी आता है कि पंजाबी भाषा अनिवार्य करने वाला नेता कौन था, तो प्रताप सिंह कैरो था 1956 में। उसके बाद 1960 का दशक आता है, 1960 के दशक में ना हरियाणा में भी अलग से आंदोलन चलते हैं, पंजाब में अलग से आंदोलन चलते हैं, मतलब हरियाणा में मांग होते अलग हरियाणा बनाओ, पंजाब में मांग होते अलग पंजाब बनाओ, मतलब कि इससे अलग करो हरियाणा से। हरियाणा में इसको नाम दिया गया हिंदी सत्याग्रह, हिंदी सत्याग्रह इसको नाम दिया गया, और इसका जो संचालन किया था वो किया था हरियाणा विकास समिति ने, हरियाणा विकास समिति ने इसका संचालन किया था, मतलब इसका नेतृत्व किया था हिंदी सत्याग्रह, और जिसका संचालन किया था वो हरियाणा विकास समिति ने किया था, जिसके अध्यक्ष थे श्री राम शर्मा, हरियाणा विकास समिति ने जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित श्री राम शर्मा, जो दत्तक के थे, श्री राम शर्मा के निश्चित परिवार होता है ना, नाम पूछ सकता है, उनकी रचनाएं पूछ सकता है। इनका बस मुख्य उद्देश्य था कि अलग हरियाणा बनाया जाए। उसके बाद पंजाब में जो आंदोलन चले उनको दिया, नाम दिया गया पंजाबी सूबा आंदोलन, इसको नाम दिया पंजाबी सूबा आंदोलन, जो पंजाब में आंदोलन चले 1960 का दशक की बात है, और तारा सिंह जी ने मांग की थी। ठीक है, लिखा तो दिया 1948 में लिखाया था वो तो, मैंने आधिकारिक रूप से मांग हुई थी, लिखा तो था आपने। पंजाबी सूबा आंदोलन का जो पंजाब में नेतृत्व किया था वो किया था तारा सिंह ने और फतेह सिंह ने, इन्होंने नेतृत्व किया था कि अलग पंजाब हो। ठीक है, तो उसके बाद जब इन जनता में विद्रोह शुरू हुए, आपस में दंगे होने शुरू हुए, तो सितंबर 1965 में सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, सितंबर 1965 उसमें तारा सिंह और फतेह सिंह थे। उसके बाद सितंबर 1965 में सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। सरदार हुकम सिंह कौन थे, लोकसभा के 30वें स्पीकर थे, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, हैं जीवी मावलंकर, लोकसभा के और देवाड़ी का था, और सन्नो देवी आएगी उसमें भी, और पुरुषों में आएगा,
क्या कह रहे हो? सद्दाम उधम सिंह लोकसभा के तीसरे स्पीकर थे। लोकसभा नहीं आपकी, अभी 70वें नंबर लोकसभा चली हुई है, अभी इसके कौन है स्पीकर वर्तमान में? कौन है? ओम बिड़ला। पहले नंबर कौन थे? जीबी मावनंकर। ये तीसरे थे लोकसभा स्पीकर सद्दाम उधम सिंह। उधम सिंह ये नहीं बता नहीं, स्पीकर जैसे आप बैठे हो और आप जैसे आपकी हरियाणा विधानसभा चलती है, इसमें एक पक्ष बैठता है, एक विपक्ष बैठता है, जो उसको नेतृत्व करता है, चुनाता है, वो स्पीकर होता है, जो उसका प्रमुख होगा विधानसभा में। जो भी कानून है उसके साइन पक्का होंगे, कोई बिन पास होगा तो उसके साइन पक्का होंगे स्पीकर के। हाँ, कोई बिन मनी बिन आया नहीं है, वो भी लोकसभा का स्पीकर ही, लोकसभा ही फाइनल करती है ना। आगे बढ़िए, उसके बाद 23 अप्रैल 1966 डेट याद रखना, पेपर में डेट आई हुई है पिछले पेपर में 1966 को सद्दाम उधम सिंह की सिफारिश पे एक कमेटी बनाई गई, एक कमेटी बनाई थी, या उसको नाम दिया गया था सीमा आयोग। उस कमेटी का नाम क्या था? सीमा आयोग। और ये कमेटी सिर्फ पंजाब के लिए बनाई गई थी, पंजाब को, मतलब उस कमेटी को कहा गया कि आप पंजाब में जाइए और उसकी बाउंड्री निर्धारित करके आइए कि कितना हिस्सा हरियाणा को देना है, कितना हिस्सा पंजाब को देना है। जो फजल अली आयोग बना था वो इंडिया के लिए बना था, क्या पूरे इंडिया का सर्वे करके आइए और रिपोर्ट पेश करिए। जो ये आयोग बनेगा इसका नाम है जेसी शाह आयोग, इस आयोग का नाम है सीमा आयोग भी कहते हैं, इसको जेसी शाह भी कहते हैं, क्योंकि जेसी शाह इस आयोग के प्रमुख थे। और इस कमेटी में भी दो मेंबर होते हैं जेसी शाह के अलावा, कौन कौन? एमएम फिलिप, एस दत्त, एमएम फिलिप और एस दत्त थे। और उसमें कौन था? एच एन कुंजरू, के एम पनिक्कर, एमएम फिलिप, एस दत्त, ठीक है। उसमें कौन था? ये सिर्फ पंजाब हरियाणा के लिए बनी हुई कमेटी, वो पूरे इंडिया के लिए बनी थी। तो क्वेश्चन आता है, इस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है लोकसभा में पेश कब की, संसद में पेश कब की? तो 31 मई 1966 को, 31 मई 1966 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी संसद में। ये डेट पूछी जा चुकी है, अभी जो पेपर हुआ था ना ग्राम सचिव का, जो कैंसिल हुए थे, सेकेंड शिफ्ट के पेपर में क्वेश्चन था ये कि जेसी शाह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट किस डेट को सबमिट करी थी। डेट पूछी 23 अप्रैल 1966 को आई थी, बना दी थी, और 31 मई 1966 को संसद में रिपोर्ट पेश कर दी थी। फिर जब इन्होंने पेश की तो उसके बाद फिर पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित हुआ, मतलब पंजाब पर फिर से विभाजित किया गया। एक्ट का नाम है पंजाब पुनर्गठन एक्ट। कब पारित हुआ था? 18 सितंबर 1966 को, 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित हुआ था, 1966 को। और फिर उसके बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का जन्म हुआ था, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का जन्म हुआ था। तो क्वेश्चन आता है, जब हरियाणा का जन्म हुआ था, हरियाणा स्टेट बनाएगी, उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे? जब हरियाणा बनाया गया उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे? अच्छा, वो हरियाणा के 1966 में, उसके बाद तो भीमसेन सच्चन आ दिया था, कैलो आ दिया था, 1966 में भी वही बनेगा। मुख्यमंत्री कौन थे जब हरियाणा बना? एक जब इंडिया बना तब नहीं, जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 की बात करो, 1947 की बात नहीं कर रहा। जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे? तो लिख लेना, पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं थे उस समय, पंजाब में राष्ट्रपति शासन था। उस समय पंजाब में राष्ट्रपति शासन था। हाँ, पंजाब में राष्ट्रपति शासन था। सबसे पहले पंजाब में तो नगर राष्ट्रपति था 1952 में, लगा था 51-52 में शुरुआत। आपके हरियाणा में कितनी बार लगा राष्ट्रपति शासन? कब कब? 67, 77, 91 67, 77, 91 तीन बार नगर हरियाणा में राष्ट्रपति। इससे पहले जब हरियाणा बना, उससे पहले लगा हुआ था, जिस टाइम हरियाणा बना था पहले राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था उस दौरान। हाँ, वो नहीं पता उसका कौन है, वो उससे पहले 1 नवंबर 1960 के पहले का ही लगा हुआ था, 1 नवंबर 1960 के टाइम पे, उस टाइम पे राष्ट्रपति शासन था उस टाइम। 67, 77, 90, 91 तीन बार लगा, 1991 वाला सबसे बड़ा था।
वो तो शराबबंदी 1996-98 हुई थी, वंशी नाथ ने की थी, क्या हो गया? छियासठ नहीं, 67-71 और हरियाणा में पहला बजट भी 67 में पेश हुआ था। हरियाणा का जो पहला बजट था वो भी 1967 में ही पेश हुआ था। ऑब्वियस ही बात है, फरवरी में हुआ था। हाँ प्रभाती, पूरा नाम याद नहीं आया, कैथन की थी वो, 4 बार मैंने बनी थी। 1978 में उसकी मृत्यु हो गई थी कार एक्सीडेंट में, पर वो ऐसा था कि वो लोगों से पूछ के बजट बनाती थी, जनता से जाए देखे, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से बना देती। धरती वाली हर पूछ जाते हैं हरियाणवी लैंग्वेज के ना, हरियाणा की पहली मूवी धरती माफ कर धरती ऑप्शन में ना हो हर फुल सीट जानी बार हरियाणवी भाषा की पहली मूवी। उसके बाद जब हरियाणा बना तो हरियाणा इंडिया की कौन सी स्टेट बनी थी? 17वीं। संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था? 18वां संशोधन हुआ था, 7वां मानती है, ठीक है। इंडिया की 17वीं स्टेट बनी थी हरियाणा, और संविधान में जो संशोधन हुआ था वो 18वां हुआ था। और हरियाणा को एरिया कितना मिला था पंजाब से? जो आज भी उतना ही है, इतना ही है ना, 35.38 इतने परसेंट एरिया है पंजाब का। पंजाब का इतने परसेंट है, इंडिया का कितने परसेंट है? 2.09। पता क्या है वो पॉपुलेशन है, ये 253,452, ये इसका इतने परसेंट है, इंडिया की पॉपुलेशन का इतने परसेंट है। और क्या गट्टे मार के याद रहेंगे, क्योंकि वैसे याद नहीं। देखो 2% होने के बावजूद भी हम वीट प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पे आते हैं हरियाणा में, इंडिया में तीसरे नंबर पे गेहूँ में आते हैं 2% होने के बावजूद। और हम कहते हैं हमारी बेटी पलटी, हमारी बेटी ने, हमारे हरियाणा ने पहली विधानसभा स्पीकर दी, हरियाणा ने पहली महिला, मतलब विधानसभा स्पीकर भी हरियाणा दी, पहली महिला वित्त मंत्री भी हरियाणा की थी, जो हरियाणा स्टेट की बनी, किसी भी स्टेट की बनने वाली पहली महिला वित्त मंत्री हरियाणा की थी वो प्रभा, किसी भी, ठीक है। जो यूपी की पहली महिला सीएम बनी थी सुचेता की प्रानी, वो भी अपने हरियाणा की थी, है नहीं थी। और कर्णा महेश्वरी जो ओलंपिक्स में सबसे पहले मेडल लेके आई थी ब्रॉन्ज मेडल, वो भी अपने हरियाणा की थी, यमुनानगर की वेट निफ्टी में थी। हाँ 2000 मैंने कही थी ना सिडनी ओलंपिक्स में, महिला इंडिया के लिए पहला ओलंपिक मेडल लेके आने वाली वो नहीं थी कर्णा महेश्वरी, सन 2000 में आई थी सिडनी ओलंपिक्स वेट निफ्टी से ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी वो, ठीक है। उसके बाद जब हरियाणा शुरू में बना तो हरियाणा में शुरू में कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 7। विधानसभा सीटें कितनी थी हरियाणा के गठन के समय? विधानसभा सीटें कितनी थी? 54। 1967 में हो गई थी 81। 1977 में हो गई थी 90। आज वर्तमान में कितनी है? 90। उसके बाद 124 126 हो जाएगी, कब जाके 2026 में जाके 126 हो जाएंगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी इतनी है। पहले राज्यपाल कौन थे हमारे? पहले राज्यपाल धर्मवीर, और पहले मुख्यमंत्री भगवद्या शर्मा, सब अपॉइंट हुए थे, सीधा उठा के रख दिए थे। मतलब इनका चुनाव नहीं हुआ था, चुनाव हुआ था जो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे, कौन बने थे? राव वीरेंद्र सिंह, वो चुन के आए थे। जो भगवद्या शर्मा वो सीधा अपॉइंट हुए, मनोनीत हो गए थे सीधा ही, इनका चुनाव नहीं हुआ था। फर्स्ट चुनाव तो 1967 में ही हुए थे ना, जब वो चुन के आए थे 67 में, जब राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा विशाल पार्टी से। ठीक है, तो ये आपकी हरियाणा की हिस्ट्री यहाँ पे होती है समाप्त। मतलब उसके बाद तो आपने सारा पढ़ा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट में भी पढ़ा है, उसके बाद अब तक क्या हो रहा है, इसके बाद करंट अफेयर ही पढ़ने हैं बस अभी। हाँ वो भी करवाना। तो आपका हरियाणा का इतिहास हुआ समाप्त, कि कहाँ से किससे मांग उठाई थी। अब हेडिंग में हरियाणा का बजट इस बार का,
2021 22 का या 22 23 का या 24 को 20 को 22 23 का बजट होता क्या वैसे मतलब आने वाले एक साल में सरकार को कहां कहां से कितनी इनकम होगी और कहां कहां उसको वो खर्च करेंगे उसका पूरा ब्यौरा होता है उसको ही बजट कहा जाता है। तो भारत में सबसे पहले बजट कब पेश किया गया था? भारत में सबसे पहले बजट कब पेश हुआ था? इस बार जो पेश हुआ वो 2022-23 का पेश हुआ है। तो भारत में सबसे पहले बजट कब पेश हुआ था? 18 फरवरी 1869 को जेम्स विंसन ने पेश किया था। 1869 में दिया था 18 फरवरी को जेम्स विंसन ने। जेम्स विंसन इसने किया था भारत का सबसे पहले बजट पेश 18 फरवरी 1869 में। हाँ परंतु ये तो आजादी के पहले की बात थी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का हाँ और कब पेश हुआ था? तो ये पेश किया था स्वतंत्र भारत का पहला आर के षणमुख सेठी ने। लिखा हुआ नाम आर के षणमुख सेठी ने कब किया था? 6 नवंबर 1949 को 6 नवंबर 1949 को पेश हुआ था। ठीक है 6 नवंबर 1949 को पेश हुआ था आर के षणमुख सेठी ने पेश किया था। और सबसे ज्यादा बार भारत का बजट पेश किसने किया था? सबसे ज्यादा बार सर्वाधिक बार भारत का बजट पेश करने वाला व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई 10 बार पेश किया ना उन्होंने। सर्वाधिक बार भारत का बजट पेश किया था मोरारजी देसाई ने। ठीक है 10 बार मोरारजी देसाई। पता कौन थे? वैसी बात होता नहीं। चलिए आप हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा का पहला बजट कब पेश हुआ था? 1967 में। हरियाणा का पहला बजट पेश हुआ था 1967 में। और किसने किया था? ओम प्रभा जैन ने। नाम पूरा नाम उसका ओम प्रभा जैन। 67 में ओम प्रभा जैन ने पेश किया था। और ये कैथन की रहने वाली थी। कैथन लोकसभा सीट से थे। और ये हरियाणा की पहली महिला वित्त मंत्री भी थी। हरियाणा क्या इंडिया की किसी भी स्टेट की पहली महिला वित्त मंत्री यही थी ओम प्रभा जैन। ठीक है। और जो पहला बजट हमने पेश किया था इस ओम प्रभा जैन ने किसके ऊपर आधारित था? तो ये कृषि के ऊपर आधारित था। एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है। जो पहला बजट पेश हुआ था वो किसके ऊपर आधारित था? वो कृषि के ऊपर आधारित था। हाँ उसके बाद आपका स्टेट हरियाणा इंडिया की पहली स्टेट थी अभी 2021 में जिसमें पहली बार प्री बजट चर्चा हुई थी। मतलब बजट बनाने से पहले प्री बजट चर्चा विधानसभा में हुई थी। आज तक किसी स्टेट ने प्री बजट चर्चा ही सीधा पेश होता था कि ये बजट आए ये होगा बस। मतलब इन्होंने पहले चर्चा की थी उसके ऊपर। हाँ 2021 में। इस बार नहीं हुई थी 2021 में हुई थी वो उसके बाद नहीं हुई। और सबसे पहले आपके सीएम ने ही वो ऑनलाइन भी पेश किया था आपका बजट टैप के द्वारा। नहीं तो पहले कागजों में आता था वो भी आपके हरियाणा ने ही पेश किया था। तो इंडिया की फर्स्ट स्टेट बनी थी हरियाणा जिसने प्री बजट चर्चा भी करी थी ऑनलाइन भी पेश किया था टैप के माध्यम से। मतलब पेपर नेस कह सकते हो आप। इस बार किस डेट को पेश हुआ था? 8 मार्च को। 8 मार्च को कौन सा दिन होता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नहीं नहीं फरवरी के लास्ट में होता जाता था। तो 29 फरवरी 28 जो मोरारजी देसाई बताओ क्यों करते थे फरवरी के लास्ट में? उनका बर्थडे आता था 29 फरवरी को। इसलिए तो वो फरवरी के लास्ट में करते थे। उनका बर्थडे 29 फरवरी के आसपास आता है। 29 फरवरी का था उनका। ठीक है क्या था 8 मार्च 2022 का पेश हुआ था। कितने करोड़ का बजट था इस बार? 170 255 170
255.99 याद कर दो, रट्टा मारने उसको तो 170-255 पिछले वाले बजट से 15.6% अधिक है, पिछले साल का जो बजट था उससे 6% और इस बजट में सबसे ज्यादा खर्च हरियाणा किस पे करेगा, जो ये इतना बजट है ये पैसे सबसे ज्यादा खर्च किस क्षेत्र में होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में। हाँ, शिक्षा में कहेगा 20,250 करोड़ रुपए, 1,250 करोड़ रुपए शिक्षा के क्षेत्र में खर्च हुए, जो पिछले साल से 17.6% ज्यादा है। 20,250.57 करोड़ एग्जैक्ट, 17.6% ज्यादा है एग्जैक्ट नहीं था, तो 20,250.57 करोड़ है। और नई शिक्षा नीति भी है ना, अब तो चलनी भी, तो नई शिक्षा नीति है ना 2025 तक अपनाने का इसने कहा हुआ है कि 2025 तक हम नई शिक्षा, वही तो जो भी पास हुई थी पिछले संसद में कि नई शिक्षा नीति 5+3+3 वाली, वही 3+ वो नहीं थी, 5 पहले तो नर्सिंग 5+3 आठवीं के बाद बच्चा सब्जेक्ट चूज करने है सीधा ही, उसमें एक आर्ट का भी नहीं सकता है, कॉमर्स का भी। हम तो क्या करते हैं 10वीं के बाद सब्जेक्ट चुन, हाँ अभी कौन से 10+2 वाली है ना, उसमें 5+3+3 5+5 वाली है ना, वो वाली है। तो वो हरियाणा ने कहा कि 2025 तक हम इसको पूरी तरह से अपना देंगे, नक्शा रखा हुआ। उसके बाद कृषि पे कितना खर्च किया हमने, कृषि नहीं है, दूसरे नंबर पे निखुद सीक्वेंस में लिखते हैं जिसपे जितना खर्च होगा। दूसरे नंबर पे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग इस पे 10,229 करोड़ रुपए खर्च किया हरियाणा विभाग, 229 करोड़ रुपए। इसके परिणाम हरियाणा ने यह भी कहा था कि अंबाला में वो बनेगा दिव्यांगों के लिए आजीवन देखभाल गृह, दिव्यांगों के लिए घर बनेगा अंबाला में, जिसमें वो आजीवन वहां पे रहेंगे, रहना चाहेगा मतलब उनकी देखभाल वही करेगा। और उसमें ये भी कहा है जो एड्स के मरीज हरियाणा में उनको पेंशन भी मिलेगी, कितने रुपए एच आई एड्स वालों को 2,250 रुपए पेंशन मिलेगी उनको पर मंथ, जिसको भी एड्स हुआ उसको 2,250 रुपए पेंशन मिलेगी। और हरियाणा में इसकी संख्या बहुत बढ़ रही है, इसके मरीज हरियाणा में 21,000 के आसपास होते हैं और उनको सबको 2,250 रुपए पर मंथ पेंशन मिलेगी। उसके बाद स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पे, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सामाजिक न्याय बना बनवाई नाथ पुरोहित, स्वास्थ्य एवं भवन रेवाड़ी से, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग इस पे 8,925 करोड़ रुपए खर्चेंगे। और इस बार तो इसमें कहा है कि हरियाणा को 3 नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे, 3 नए मेडिकल कॉलेज कहां कहां बनेंगे, पंचकुला में कहां बनेगा वो, 8,925 करोड़ रुपए और 3 नए मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की है, 925 सिरसा में, सिरसा यमुनानगर कैथल, सिरसा यमुनानगर कैथल में बनेंगे न्यू मेडिकल कॉलेज। उसके बाद कृषि पे खर्च करेंगे 5,988 करोड़, 5,988 करोड़ पे कृषि पे, आप लोगों को सारे नहीं याद करना, एक तो टोटल बजट याद करना है, उसके अलावा जैसे ये कॉलेज कहाँ कहाँ बनेंगे ये जो पॉइंट्स होता है वो याद करना, और शिक्षा पे सबसे ज्यादा खर्च है वो याद करना। 5,988 करोड़ रुपए, वैसे 75 पेज की पीडीएफ है वो पूरी, क्या कह रहा है 88 75 पेज की वो पूरी थोड़ी पढ़नी है, उसमें तो वो भी लिखा हुआ कहाँ कहाँ से आएंगे पैसे ठीक है। तो इसमें कहा गया कि झज्जर में आपको पता है मत्स्य पालन योजना चली हुई थी, तो इन्होंने कहा कि झज्जर में हम पहला मत्स्य मतलब मछली बाजार खोलेंगे, एक बाजार बनाएंगे पूरा मछली का, स्थापना करेंगे झज्जर में, इसी योजना में आएगा वो भी कृषि वाले में। पीएम मत्स्य योजना चली हुई ना, उसके तहत झज्जर में मछली बाजार खोला जाएगा।
और रोहतक में एक मेगा फूड पार्क बनेगा रोहतक में। किसमें? वही फूड पार्क में, तो वो उसकी वो किसमें में नहीं, वहां पे देखे थी ना, तो एक्सीलेंस सेंटर से होता है। जैसे यहाँ पे भी था फूड पार्क सहा में, या फूड पार्क एच एस आई आई डी सी फूड पार्क, हाँ इंडस्ट्री एरिया में स्टोर भी होते हैं ना, कोल्ड स्टोर भी होते हैं। उसके बाद सहकारिता में, सहकारिता के क्षेत्र में कितना खर्च होगा, मतलब कोऑपरेटिव है ना, 1537 करोड़ रुपए। मैम कोऑपरेटिव इसमें क्या है, इसमें एक तो रादौन में प्लांट बनाएंगे, हल्दी प्लांट यमुनानगर में है ना, रादौन वहां पे हल्दी प्लांट खोलेंगे, हल्दी टर्मरिक हल्दी का प्लांट लगाएंगे। और अभी आपने देखा वो चलाए हुए हरित स्टोर यमुनानगर से रादौन में, ये हरित स्टोर योजना वो भी इसमें ही आती है। हरित स्टोर योजना गाँव में दुकान नहीं खोल रहे हैं जहां पे सस्ता राशन मिलता है, हरित स्टोर योजना इसकी शुरुआत हुई थी 17 अक्टूबर 2021 को लागू हुए थे जब। और बोलेंगे अभी ये इसके अंदर ये खर्च इसका ये विभाग करेगा। अच्छा यहाँ भी है पंचकुला में तो होना ही है, आप इस बार हमारे गांव में भी है, गांव वाला याद है ये, इतना इतना बड़ा गांव नहीं है तो पता लग जाता है, कोई भी ले सकता है वहां से। हां और इसके लिए खाती को सोच तो होता है, हां वो अलग है। उसका महिला बाल विकास, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है हमारी, महिला बाल विकास रमेश डांडा, कहां से है वो, क्राइस से डिस्ट्रिक्ट एथर, 2017 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस पे। हाँ है गणेश डंडा मंत्री है कनायत से, 2017 करोड़। इसमें वो भी कहा कि 4000 पनेवे स्कूल बनाएंगे हम इसमें हरियाणा में, 4000 पनेवे स्कूल बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए प्री नर्सरी वाला। और जो ये नया डिपार्टमेंट बनाया हुआ आपका कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण है, इसको भी दिया 1671 करोड़ रुपया। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाला ये नया विभाग बना है, 1671 करोड़ रुपए। इसमें तो मिलेंगे वो डीसी रेट वाली पोस्ट है। इसकी ये नया डिपार्टमेंट बना है, इसकी सीईओ कौन बनी थी, फर्स्ट सीईओ किसको बनाया गया था, सीईओ ये नया डिपार्टमेंट बना है, इसकी 1671 इसकी नई सीईओ बनी थी शरणदीप कौर बराड़ा, शरणदीप कौर बराड़ा। हाँ इसके डिपार्टमेंट की, और ये कंपनी एक्ट के तहत बनाया गया, कंपनी एक्ट 2013 के तहत बनाया गया ये डिपार्टमेंट, कंपनी एक्ट 2013 के तहत बनाया गया। अभी तो बनाया मैं पिछले साल ही, डेट नहीं पता एग्जैक्ट, वो चेक करनी पड़ेगी। सिंचाई एवं जनसंधान जन संसाधन, ऐसा सिंचाई विभाग किसके पास है हमारा, सिंचाई मंत्री कौन है, सीएम ही है हमेशा, सीएम ही है इरिगेशन डिपार्टमेंट, आपका डिपार्टमेंट आपको पता ही होगा, ठीक है सीएम के पास है डिपार्टमेंट। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारा, सीएम ही है, ठीक है। सिंचाई एवं जन संसाधन मंत्रालय इस पर खर्च हुआ है 6136 करोड़, 6136। और इसमें एक आएगी जो 36, इसमें एक आएगी 5000 रिचार्ज बोर्डवेल बनाएगी, जो मतलब वो नहीं है बोर्डवेल जो खराब हो गए उनको रिचार्ज करेगी 5000 को, हाँ रिचार्ज बोर्डवेल रिचार्ज करेगी उनको दोबारा से, मतलब दोबारा से उनमें पानी का कुछ ना कुछ जुगाड़ होगी, नहरों से निकलेगी कहीं से निकलेगी, हाँ उनको रिचार्ज कर रही, वो कहते हैं उनमें पानी लाएंगे कहीं ना कहीं से, नदियों से लाएंगे कहीं ना कहीं से 5000 में, जो खत्म हो चुके हैं वैसे नहीं उनका इस्तेमाल रिचार्ज करना होता है दोबारा भरेगी जन। उसके बाद देखिए उसके बाद हरियाणा ने 2-3 पुरस्कार भी शुरू किया इस बार ना, सुषमा स्वराज पुरस्कार मिलेगा, अभी शुरू किया सुषमा स्वराज पुरस्कार, नए पुरस्कार शुरू किए, इसमें राशि मिलेगी 5 लाख रुपए और एक प्रशंसा पत्र मिलेगा। सुषमा स्वराज पुरस्कार इसके नाम पे नया पुरस्कार शुरू किया है, इसमें 5 लाख रुपए राशि मिलेगी और एक पत्र मिलेगा प्रशंसा पत्र।
क्या लिखो? प्रशंसा पत्र है सुषमा स्वराज पुरस्कार में। इसमें कहा कि जो महिला नेशनल व इंटरनेशनल लेवल पर जीवन के विभिन्न क्षेत्र में अच्छा योगदान देगी उसको मिलेगा 5 लाख रुपए का पुरस्कार प्लस एक प्रशंसा पत्र। हाँ, नेशनल इंटरनेशनल जीवन के जो भी काम होते उसमें। उसका दूसरा योजना शुरू किया हाजी महिला नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जीवन के में योगदान के लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में अच्छा योगदान देगी उसको मिलेगा। उसका हरियाणा मातृ शक्ति योजना, हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना, उद्यमिता उद्यमिता योजना, ये पता क्या है? अब आपको पता हरियाणा में सबके पास परिवार पहचान पत्र बने हुए हैं और उसमें कहा है कि जिस परिवार पहचान पत्र की इनकम 5 लाख से कम है उस परिवारों को सरकार लोन देगी 3 लाख तक, उन परिवारों को, ठीक है, 3 लाख कोई भी महिला दे सकती है और वो भी मतलब बहुत कम ब्याज पे। तो मतलब ये उनको पैसे मिल जाए लोन पे एक तरह से बहुत कम रेट पे। हाँ वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं है, श्रम कार्ड बने हैं जिसमें 1000-1000 रुपए आ रहे हैं, यहाँ कई स्टेटों में आ गए कहीं में नहीं आए। हाँ ऐसा बना है जो बेरोजगार उनका बना है ना, ना मैं नहीं बन सकता, मैं आईडिया बनता हूँ ना, मैं पता नहीं साल में कब आएंगे, वो फॉर्म भरवा रहे हैं अभी, तो भरवा दो, आप नहीं भरवा सकते, वो बनवा सकता जो अनएम्प्लॉयड हो गया या मजदूर वगैरह, क्योंकि आपकी इनकम तो सैलरी तो अकाउंट में आएगी, या आप आई टी आई भरते हो तो आप नहीं भरवा बना पाओगे, किसी और का बनवा सकते हो घर में जो कोई मतलब बिना बैठा है उसका बनवा सकते हैं। गांव में तो सबने बनवा दिया, नब्बे ने अपनी महिलाओं के बने हैं, ऐसी बात नहीं, महिलाओं के भी बनते हैं। हाँ बनते हैं, हाँ नहीं नहीं वो वैसे बता रहा हूँ, इसमें तो ये है कि लोन मिले मातृ शक्ति में, हाँ वो तो वैसे मैंने बात की तो बताया। उसके बाद परिवहन पे खर्च कही 2821 करोड़ रुपए, परिवहन क्या 2821, हाँ तो वही तो थे दो ही शुरू किए नहीं, सिंचाई के बाद क्या बोला था, जन संसाधन एक ही तो है, संसाधन बोला एक ही तो डिपार्टमेंट है वो, 2821 करोड़ रुपए। सर अब दो पुरस्कार हो गए ना उसके बाद? हाँ पर दो ही है, नवे शुरू हुए थे उनसे, नवी योजना कह सकते हो आप, परिवहन परिवहन पे, हाँ परिवहन पे कितना खर्च करेगी, ट्रांसपोर्ट पे 2821 करोड़, शासन एवं लोक प्रशासन जहां से आपको गवर्नमेंट सैलरी नहीं मिलती है, जिसके घर में वो भी गवर्नमेंट इंप्लॉई है, सैलरी नहीं इनसे मिलती है ना, शासन एवं लोक प्रशासन डिपार्टमेंट, हाँ इसको मिले 20,149 करोड़ रुपए, 149 करोड़। दूसरे नंबर पे भी नहीं है, शिक्षा के बाद इस पर खर्च होगा, इसमें आपकी सैनिक सुनने सब आ जाएगा, इसलिए पुलिस विभाग 149, हाँ दूसरे पे आ गया, पहले भी तो शिक्षा ही आएगी ना, पुलिस विभाग को मिले 8191 करोड़। आपके हरियाणा में पहली बार ना वृक्षों की जनगणना भी होगी, हरियाणा ने कहा कि हम 2023 में हरियाणा में जितने भी पेड़ है उनकी जनगणना करेंगे, उनको गिनेंगे कितने पेड़ है, पहली बार हरियाणा में ऐसा होगा। और एक हरियाणा वो भी बनाएगा नेचर टेन बनाएगा, आपकी कानका से लेके कनिष्ठ तक यमुनानगर में ऊपर पहाड़ी एरिया से सारा नेचर टेन, हाँ हाँ मतलब कि पर्यावरण से संबंधित है, हाँ कानेश्वर, कानका से कानेश्वर मतलब प्राकृतिक सौंदर्य व वातावरण को बढ़ाने के लिए, ताकि लोग यहाँ पे इस एरिया में आए देखने के लिए। 2049 और 2023 में कहता है कि हम
वृक्षों को भी गिनेंगे। इसका मतलब पर्यावरण एवं जलवायु डिपार्टमेंट हो गया ना, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, इस पे खर्च करेगा 530 करोड़ रुपए। इसी डिपार्टमेंट में आए वृक्ष पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन 530 करोड़ रुपए। बस एक उसके मेन मेन पॉइंट्स हैं आपके बजट के, जो जो खर्च करेगी सरकार, बस 530। उसके अलावा तो यदि आप पूरा चाहिए तो मेरे पास पीडीएफ भी पड़े हो, पूरी भी दे दूंगा, उसमें देखना तो पूरा डिटेल में सब दिया हुआ है कि कौन कौन से छोटे छोटे डिपार्टमेंट सबका बताया हुआ है, इस पे इतना खर्च आएगा, इस पे इतना, पूरा ब्यौरा दिया हुआ है उसका, इसका पूरा ब्यौरा दिया है कहाँ पे कितना खर्च होगा। मैम बजट में कुछ भी आ सकता है, कब डेट को पेश हुआ कुछ भी पूछ सकता हुआ, तो ठीक है अभी पेश हुआ था इसलिए बता दिया आपको। ठीक है नेक्स्ट टाइम से हम पढ़ेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स, नेक्स्ट में मंडे से है ना क्लास से आपकी हिस्ट्री खत्म होगी, बस करंट अफेयर पढ़ाएंगे, हफ्ते में एक या दो क्लास रखेंगे बस, ज्यादा नहीं, अब तो हरियाणा हो ही गया ऑलमोस्ट सारा आपका, जिसका नहीं हुआ वो नए बैच में ना उसमें शुरू से करवा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट, जिसने पढ़ना है तो वो नए बैच में पढ़ने ना, बाकी इसमें तो हफ्ते में एक या दो क्लास रखूंगा वो भी सिर्फ उसकी करंट अफेयर्स की, हाँ वो लिखवा दूंगा उसमें, हाँ वही तो कह रही है। ठीक है वो नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, उसके बाद करंट अफेयर्स कहेंगे से, बाकी सब हो गया, बाकी आपने रिविजन करनी है, और नेक्स्ट वीक पेपर भी नुआ बताया ना मैंने हरियाणा का सीटी के, नहीं पढ़ गया ना कोई भी पेपर नहीं प्रीवियस, हाँ पूरा 100 नंबर का पेपर, फुल लेंथ पेपर, एमसीक्यू देंगे, ओएमआर सीट दे दूंगा साइंस के, इस बार नेक्स्ट वीक हिंदी शुरू हो जाएगी, हिंदी खत्म हो जाएगी उसके बाद साइंस करवा दूंगा, हाँ लिख दूंगा। ठीक है थैंक यू थैंक यू।